हेलो बच्चा पार्टी, माइसेल्फ सम्राट सिंह। मैं आपको आज अपने पीसीएम कॉर्नर पे जो चैनल है हमारा, मैं उस पर आपको एक्सरसाइज 2.3 का जितना भी क्वेश्चन है स्टेप वाइज आपको करके आपको दिखाऊंगा कैसे होता है। और हमारा हर एक जो भी हमारा एक्सरसाइज है इसके पीछे 2.1 एंड 2.2 वो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा जो 2.2 में हमारा क्या है क्वेश्चन में, आपको इक्वेशन x की वैल्यू निकालनी है और उसको चेक भी करना है कि क्या हमारा जो वैल्यू आया है वो हमारा सही है कि गलत है। ठीक है, तो आज हम अपने पूरे जो आज का वीडियो है पूरा एक्सरसाइज हम 2.3 कंप्लीट करेंगे और वहां से आपको बताएंगे कि वो कैसे सॉल्व होता है। चलिए आइए हम सॉल्व करके देखते हैं कैसे स्टार्ट होता है। 2.3 का क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है, 3x = 2x + 18। ठीक है, ये हमारा क्या है क्वेश्चन से पहला। अब देखिए इसमें हमको क्या करना होता है, लाइक टर्म्स आपको जो मैंने बताया था और ये सारी चीजें जो अभी थोड़ा छोटी छोटी चीजें हैं मैं अपने लास्ट वीडियो में 2.1 में अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ कि कैसे कब क्या होता है। तो अगर आप लोग ने नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि कैसे ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरे जगह पे। ठीक है, देखिए 3x है, 2x है, हमारा लाइक टर्म है, वन साइड ले लीजिए, इधर 2 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, = 18। कितना हो जाएगा माइनस करेंगे तो x = 18, तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 18। अब हमको क्या करना है, चेक भी करना है कि हमारा जो वैल्यू आया है वो सही है कि गलत है। चेक कैसे करेंगे, जब हमारा LHS और RHS इक्वल होगा तो हमारा आंसर जो आया है वो करेक्ट होगा। चलिए हम देखते हैं कैसे चेक करते हैं। जो हमारा x की वैल्यू 18 हम इस इक्वेशन पे इक्वेशन नंबर 1 पे पुट कर देंगे, जो हमारा क्वेश्चन है, तो x की जगह पे 18 = 2 × 18 + 18। ठीक है, कितना आ जाएगा, 8 × 3 = 24, कैरी 2 × 3 = 5 = 54, ये कितना आ जाएगा 36 + 18, तो आपका ये कितना आ जाएगा 54 = 54। समझ में आया, देखिए दोनों साइड हमारा जो LHS है = RHS। ठीक है, हमारा दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो यहाँ पे आप ऐसे ही चेक करना है सभी क्वेश्चंस को, जो भी x की वैल्यू आएगा हमको उस क्वेश्चन में पुट कर देना, अगर हमारा LHS और RHS इक्वल आएगा तो हमारा जो x की वैल्यू है वो हमारा सही होगा। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए हमारा क्या बताया गया है, 5t - 3 = 3t - 5। 5t - 3 = 3t - 5, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें देखिए हम सेम वही चीज लाइक टर्म्स को एक साथ लेते आइए, 5t इधर प्लस है तो इधर आएगा -(-5), इधर माइनस इधर आएगा प्लस, तो कितना आ जाएगा 5 - 3 = 2t = ±, क्या हो जाएगा हमारा, ओके ये 3 है। ठीक है, तो 5 - 3 = 2, जो ग्रेटर का साइन रहता है वही हम लगाते हैं, इसीलिए हम माइनस का साइन यहाँ पे लगाएं, t = -2, इधर इंटू इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, कट करेंगे तो हमारा जो x की वैल्यू कितनी आ रही है -1। अब हमको उसको क्या करना है, चेक करना है, तो पुट कर दीजिए जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन पे, 5 - -1 - 3 = 3 - -1 - 5। सोल्व करिए, -5 - 3 = -3 - 5। देखिए दोनों साइड एक नंबर आ गया है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा -8 = -8। LHS = RHS, दोनों का इक्वल हो गया। ठीक है, देखिए बहुत ही आसान है, बस डी का वैल्यू निकालना है और उसको हमको पुट कर देना है। ओके, समझ आ रहा है, बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में हमारा क्या है, सभी क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो भी वेरिएबल्स दिया या जिस चीज को फाइंड करना है आप उस चीज को फाइंड करिएगा और क्वेश्चन पे ही उस जो भी एक्स है, टी है, वाई है, जो भी आपका वैल्यू आ रहा है उसको वैल्यू को पुट कर देना उसमें। तो अगर दोनों हमारा LHS और RHS इक्वल होगा तो हमारा आंसर सही है, अगर इक्वल नहीं है तो हम कहीं ना कहीं कुछ गलत कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 5x + 9 = 5 + 3x। सब में सेम वही फॉर्मूला, सारे इक्वेशन जो लाइक टर्म्स है उसको एक साथ ले लीजिए, जो अनलाइक टर्म्स है
वो दूसरे साइड कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ये और ये सेम होगा, यहाँ पे इधर आ जाएगा तो प्लस है, तो इधर होगा तो माइनस, कितना जाएगा 5 - 3 = 2x, और यहाँ पे कितना जाएगा 4, ग्रेटर साइन रहेगा माइनस का, तो x = -4/2, कट करेंगे तो कितना -2, हमारा जो x का वैल्यू कितना आएगा -2। अब हमको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है, ठीक है। हमारा x का वैल्यू आ गया, और x का वैल्यू हम चेक करेंगे, कैसे चेक करेंगे, क्वेश्चंस के ऊपर पुट कर दीजिए, x के जगह पे -2 रखते चलिए, जो भी आंसर आएगा दोनों साइड इक्वल होना चाहिए, 5 × 2 = 10, -+9, इधर क्या आ जाएगा 5 + 3 = 6, माइनस, ठीक है ना, माइनस में आ जाएगा तो माइनस में रख लीजिए, यहाँ कितना आ जाएगा 9 - 10 = 1, साइन आपका ग्रेटर का रहेगा तो -1, इधर आपका प्लस माइनस माइनस, 6 - 5 गया 1, और साइन ग्रेटर का रहेगा इसलिए माइनस। देखिए LHS = RHS, हमारा क्या हुआ आपको देखने को मिल गया, ठीक है ना, दोनों इक्वल है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा 4z + 3 = 6 + 2z, 4z + 3 = 6 + 2z, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, सेम प्रोसेस, लाइक टर्म्स को एक साथ ले लीजिए, कांस्टेंट नंबर एक साथ हो जाएगा, 2z = 3, z = 3/2, जेड का वैल्यू आ गया, हमको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है, चेक कर लीजिए, 4 × 3/2 + 3 = 6 + 2 × 3/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, 3 × 2 = 6 + 3 = 2 से 2 कट हो जाएगा, 6 + 3 हो गया। देखिए दोनों साइड एक है, 9 = 9, यहाँ भी हमारा आंसर दोनों LHS और RHS क्या है, इक्वल है, ठीक है, बहुत ही आसान है ना, एकदम मक्खन की तरह क्वेश्चन लगते जा रहा है, आसानी से आपको भी समझ में आ रहा है, धीरे धीरे। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 2x - 1 = 14 - x, 2x - 1 = 14 - x, ओके, सेम प्रोसेस, प्रोसेस में कोई चेंजिंग नहीं है, आपका सेम प्रोसेस रहेगा, 3x = 15, x = 15, अगर इंटू इधर हो जाएगा डिवाइड, हमारा आंसर कितना आ जाएगा 5, ठीक है, x की वैल्यू कितनी आ गई 5, हमको क्या कर लेना है, चेक कर लेना है, 2 × 5 - 1 = 14 - 5, कितना आ जाएगा 5 × 10 - 1, इधर हो जाएगा 14 में से 5 जाएगा, कितना 9, तो 10 - 1 = 9, ये देखिए, दिख रहा ना, बहुत ही आसान तरीके से जो भी सॉल्व आउट किया जा रहा है वो मैं आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूँ बोर्ड पे, आपके स्क्रीन पे सारा चीज क्लियरली दिख रहा है, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 6, सारा क्वेश्चन करूंगा, घबराने की जरूरत नहीं है, सारा क्वेश्चन आपके सामने रहेगा, आप ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो मिस करेंगे, सारा स्टेप्स वाइज भी आपको सामने बताऊंगा कैसे कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 8x + 4 = 3x - 1 + 7, x - 1 + 7, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको पता है ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, बदमाश रूल कभी मत भूलिएगा, क्योंकि बदमाश रूल हर जगह काम आता है, ब्रैकेट में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले इसके साथ 3x, फिर साइन प्लस माइनस माइनस, फिर 3 × 3 + 7, ठीक है, अब क्या हो गया, सारा चीज वही हो जाएगा, 8x प्लस है, इधर आ जाएगा माइनस, फिर इधर 7 में से यहाँ पे माइनस की कर लीजिए 4, और ये प्लस, और ये यहाँ आ जाएगा तो माइनस, ठीक है, 8 में से 3 जाएगा, कितना हो जाएगा 5, 5x = ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 इधर आया तो इधर 4, 5, 6, 7, माइनस माइनस एक साथ कर लीजिए तो -7, ये पूरा कट जाएगा तो हमारा इसे कितना आ जाएगा 0, x = 0, ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 0 आ गई, अब हमको क्या करना है, चेक करना है, चेक कर लीजिए, 8 × 0 + 4 = 3, 0 - 1 + 7, 0 + 4 =
ये इसके साथ क्या हो जाएगा सॉल्व होगा तो माइनस वन हो जाएगा, तो थ्री इंटू माइनस थ्री प्लस सेवन, फोर इज इक्वल टू, सेवन में से थ्री माइनस होगा आपका तो कितना आ जाएगा फोर, ये देखिए ठीक है ना, समझ आ रहा है कुछ नहीं, जो भी एक्स की वैल्यू आई हमने इस क्वेश्चन पे पुट कर दिया, सॉल्व आउट कर देंगे तो हमारा आंसर देखिए एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर सेवन में हमारा क्या बताया गया है, देखिए थोड़ा जब भी हम थोड़ा क्वेश्चन आगे बढ़ते चल रहे हैं थोड़ा थोड़ा डिफिकल्ट वो करते जा रहे हैं, ठीक है पहले आसान तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन मिला है, अब थोड़ा उसको ही बढ़ा के दे रहे हैं, ठीक है टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं उसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए हमारा ये है कुछ नहीं करना है हमको, इसमें क्या करना है इधर इंटू इधर कर दीजिए डिवाइड, तो x के साथ डिवाइड हो जाएगा फोर बाई फाइव इज इक्वल टू एक्स प्लस टेन, डिवाइड का क्या हो जाता है मल्टीप्लाई होके रेसिप्रोकल हो जाता है ना, तो कितना हो जाएगा फाइव एक्स अपॉन फोर इज इक्वल टू एक्स प्लस टेन, अब हमारा क्या हो जाएगा x के साथ फाइव एक्स प्लस फोर माइनस है तो इधर हो जाएगा प्लस इधर हो जाएगा तो माइनस इज इक्वल टू टेन, फाइव एक्स माइनस फोर एक्स अपॉन फोर इज इक्वल टू टेन, थोड़ा हम यहाँ देख लेते हैं कितना आ जाएगा x इज इक्वल टू एक्स बाई फोर इज इक्वल टू टेन, एक्स इज इक्वल टू इधर हो जाएगा तो टेन इंटू फोर कितना हो गया फोर्टी, x की वैल्यू कितनी आ गई फोर्टी, बस हमको क्या करना है चेक कर लीजिए फोर्टी इज इक्वल टू फोर बाई फाइव फोर्टी प्लस टेन, ठीक है फोर्टी इज इक्वल टू फोर बाई फाइव फोर्टी वन फिफ्टी इंटू फिफ्टी, ये लीजिए आपके सामने जो भी हमको आंसर चाहिए वो आपको मिल गया एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, ठीक है कुछ भी दिक्कत नहीं है, प्रोसेस अगर आपको पता है आप बहुत ही आसानी से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व आउट कर सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा जब भी आप नंबर एक जगह से दूसरे जगह आप सेंड करते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो साइन का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा कि हमारा साइन क्या था और क्या हम कर रहे हैं, क्योंकि साइन की वजह से ही हमारा बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड गलत कर देते हैं, उसकी वजह से उनका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है और बच्चे सोचते हैं हम तो अच्छा से करके आए फिर नंबर हमें कम क्यों मिला, वो ध्यान नहीं देते हैं साइंस के ऊपर, ठीक है ओके। क्वेश्चन नंबर एट क्या है, टू एक्स अपॉन थ्री प्लस वन इज इक्वल टू सेवन एक्स अपॉन फिफ्टीन प्लस थ्री, ठीक है देखिए इसमें भी सेम प्रोसेस वही कर लेना है, दो तरीके से इसको कर सकते हैं हम, देखिए मैं आपको पहला तरीका बता देता हूं और फिर दूसरा प्रोसेस भी दूसरा तरीका भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है पहले इसको सॉल्व करते हैं इसमें क्या है, या तो पहले हम दोनों साइड एलसीएम लेके कवर अप कर लेते हैं, टू एक्स एलसीएम थ्री रहेगा प्लस थ्री इज इक्वल टू एलसीएम फिफ्टीन रहेगा सेवन एक्स फिफ्टीन थ्री जा फोर्टी फाइव, ठीक है ना, अब हमको क्या कर लेना है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना, क्या कर लेना क्रॉस मल्टीप्लाई, देखिए उससे पहले अगर आप देख सकते हैं जो डिनोमिनेटर हमारा है दोनों डिनोमिनेटर में थ्री के मल्टीपल में फिफ्टीन आता है तो आप डायरेक्टली यहाँ से कट कर सकते हैं, थ्री वन जा थ्री थ्री फाइव जा फिफ्टीन, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया फाइव, अब हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करने में आसान हो जाएगा तो कितना हो जाएगा फाइव टू एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू सेवन एक्स प्लस फोर्टी फाइव, ठीक है ना चलिए सॉल्व कर लीजिए फाइव टू जा टेन एक्स प्लस फाइव थ्री जा फिफ्टीन इज इक्वल टू सेवन एक्स प्लस फोर्टी फाइव, अब बस हमारा वही प्रोसेस आ गया, फर्स्ट स्टेप जो हम लोग छोटे वाले क्वेश्चन में करते थे लाइक टर्म को एक साथ कर लीजिए, इधर प्लस है तो इधर आएगा माइनस, इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस, कितना आ जाएगा थ्री एक्स इज इक्वल टू थर्टी, एक्स इज इक्वल टू थर्टी अपॉन टेन ओके थ्री कितना आ जाएगा टेन, हमारी एक्स की वैल्यू कितनी आ गई टेन, अब हमको क्या कर लेना है चेक कर लीजिए टू इंटू टेन अपॉन थ्री प्लस वन इज इक्वल टू सेवन इंटू टेन अपॉन फिफ्टीन प्लस थ्री, बस
कितना आ जाएगा 20/3 + 1 70/15 + 3। ठीक है, देखिए ये हमारा सॉल्व आउट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 23/3 और ये कितना आ जाएगा 45 70 + 45/15। कर लीजिए 23/3 = 5 7 और 11/15। ठीक है, अब देखिए हमारा 5 5 है, दोनों 5 से कटेगा तो 5 से काट लेते हैं, 5 3 = 15 5 2 = 10 5 3 = 15। दोनों साइड का आंसर हमें कितना मिल गया 23/3 = 23/3 LHS = RHS। ठीक है, प्रोसेस हमारा वही है, देखिए बस स्टेप्स हमारा बढ़ जा रहा है थोड़ा उसको इवेल्यूट करने में, हमें इवेल्यूट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना रहता है और उसके बाद वहां से x की वैल्यू निकल आता है। ठीक है, और जैसे ही हमारे x की वैल्यू निकल आती है हमको क्या करना है, इक्वेशन में पुट कर देना। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 9 में 2y + 2y + 5/3 = 26/3 - y। ठीक है, देखिए सेम लास्ट जैसा क्वेश्चन है, मैंने उसमें एक प्रोसेस बताया था, अब इसमें दूसरा वाला प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। उसमें क्या किया था, पहले ही LCM हमने लेके सॉल्व कर दिया था, अब इसमें क्या कर देते हैं, लाइक टर्म्स को एक साथ ले लेते हैं, इधर माइनस है इधर कर दीजिए प्लस, और इसका क्या है 26/3 और इधर प्लस है इधर आ जाएगा माइनस। आप ऐसे भी पिछले वाला क्वेश्चन को भी इसी रूल से कर सकते हैं, या जो क्वेश्चन नंबर 8 है उसके रूल के हिसाब से क्वेश्चन नंबर 9 भी आप सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो भी प्रोसेस आपको आसान लगे आप कर लीजिएगा। इसीलिए मैं दोनों प्रोसेस आपको यहाँ पे बता देता हूँ। ये हो जाएगा 3y = LCM ले लीजिए 26 - 5, 3y = 21/3। ठीक है, अब हमारा क्या हो जाएगा, इधर इंटू है तो इधर होगा तो डिवाइड हो जाएगा, y = 21/3 × 3, 3 7 = 7/3। हमारा वाई की वैल्यू कितनी आ गई 7/3। अब हमको क्या करना है, एक चेक कर लेना है ना, अब हमें क्या करना है चेक कर लेना, तो वाई के जगह पे हमें क्या पुट कर देना 7/3, बस पुट करते चलिए, कुछ नहीं करना है, क्या करना है बस वैल्यू पुट कर लेना, 7 2 = 14/3 + 5/3 = 26/ ये माइनस कर दीजिए डायरेक्टली, माइनस करेंगे कितना हो जाएगा 19/3 और ये हमारा क्या हो जाएगा 19/3 = 19/3। देखिए हमारा LHS और RHS है जो हमारा इक्वल आ गया। ठीक है, तो जो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 9 है, दोनों एक ही प्रोसेस से भी कर सकते हैं और दो तरीके से भी कर सकते हैं, दोनों तरीका मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व आउट कर दिया, जो तरीका आपको अच्छा लगे, जो भी आपको प्रोसेस अच्छा लगे आप उसके थ्रू आंसर ला सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ओके, ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का शायद लास्ट क्वेश्चन है, हाँ ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 10 क्या हमारा 3m = 5m - 8/5, 3m = 5m - 8/5। बहुत ही आसान है ये तो डायरेक्टली दिख रहा है कि लाइक टर्म्स को एक साथ कर लीजिए, ये प्लस है इधर आ जाएगा -(-8/5), कितना आ जाएगा 2m > -8/5, माइनस से माइनस कट जाएगा, m = (2), इधर हो जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 2 4 जा, हमें कितना मिल जाएगा 4/5, हमें m की वैल्यू कितनी मिल गई 4/5। अब हमको क्या कर लेना, चेक कर लेना, तो 3 × 4/5 = 5 × 4/5 - 8/5, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, 4 3 = 12/5 = 4 - 8/5। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाएगा 12/5, इसको सॉल्व कर लेते हैं 20 - 8/5, LCM लेके सॉल्व किया हमने और देखिए 12/5 = 12/5, ये हमारा क्या हो गया LHS = RHS। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने आपको एक्सरसाइज 2.3
पूरा कवर अप कर दिया है। जो प्रोसेस हम कर सकते थे सारा प्रोसेस इसमें आपको बताए हैं स्टेप वाइज। होप आपको सारी वीडियोस का सारा क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही स्टेप वाइज प्रोसेस सारा क्वेश्चंस हमारा इस वीडियो इस चैनल पे वीडियो अपलोड होता रहेगा। तो जैसे ही हमारा वीडियो अपलोड होगा आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन पिंग आउट हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, बहुत ही आसान है, आपको आ जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।